ये नेविगेटर है और ये मैग्ना पॉड। ये कौन सा है? अजी मेरे लिए भाई, इट्स अ वन टाइम परचेज। मस्त है। अरे ये लोग बोलते हैं कि मिरर पे लगेगा नहीं, उसमें तो मेरा दिमाग हट गया यार। कब का लगा के निकल गया होता मैं मोबाइल माउस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे कि अचानक इसने दोपहर को व्लॉग स्टार्ट किया और वो भी ऐसे चालू गाड़ी में बहुत टाइम के बाद। तो एक्चुअली मैं पिछले व्लॉग के बाद सीधा राइड पे व्लॉग करने वाला था, लेकिन मेरा जो टैंक बैग है ना वो पूरे स्ट्रैप्स वाला है और मैंने सोचा कि अब यार दूसरा टैंक बैग ले लेते, क्योंकि वो टैंक बैग मैं डोमिनर के टाइम से चलाते आ रहा हूँ। डोमिनर के बाद मैंने कम से कम 12-13 बाइक अलग ले ली है और सब में मैंने वही टैंक बैग चलाया है। अब मैंने सोचा चलो मैग्नेटिक टैंक बैग ले लेते। फिर थोड़ा मैंने रिसर्च किया, राइनॉक्स का एक बैग पसंद आया, हमारे यहाँ पे राइनॉक्स की एक डीलरशिप है ग्रैंड रोड में, तो सोचा वहाँ पे जाके ले लेते, इसीलिए अभी मैं निकल चुका हूँ। तो राइड पे मैं जो जाने वाला हूँ वो है तड़ोबा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब वो टाइगर सफारी है। तो जिनको पता है कि वहाँ पे पिंजरे में टाइगर नहीं है, ओपन जंगल है, वहाँ पे 4 घंटे की सफारी है मेरी सुबह 6 बजे की और सफारी मेरी 21 तारीख को है। मैं जाऊँगा कल सुबह, यहाँ से निकल जाऊँगा। जब तक आप ये वीडियो देखते होंगे तब तक मैं निकल चुका हूँ। मेरी टोटल राइड है 850 किलोमीटर्स की, 850 या 900 जो भी उसके बीच में ही होगा। और मुझे विद इन अ स्ट्रेच, मतलब अगर निकला आज तो मुझे वो कंटिन्यू चला के ही ख़त्म करना है। ऐसे नहीं कि मैं 400-500 किलोमीटर चला के कहीं स्टे ले लूँ। हाँ, छोटा मोटा नैप के लिए मैं रुक जाऊँगा कहीं भी ढाबे वाबे पे, लेकिन स्टे नहीं लेने वाला हूँ कहीं पे भी। अब ये तो मेरी कोशिश है, देखते हैं फिर जो होगा वो तो होगा ही होगा। तो मुंबई से मैं निकलूँगा सीधा तड़ोबा कल सुबह। सैडल बैग एंड ऑल सब मैंने रेडी कर लिया है, ये देखो भाई को। अब सिर्फ मुझे टैंक बैग लेनी है और बाकी सब कुछ रेडी करके रात को प्लेस करके रख दूँगा और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा जट से। तो चलो अभी मैं मिलता हूँ आपको सीधा राइनॉक्स की शोरूम में। ये नेविगेटर है और ये मैग्ना पॉड। ये देखिए इसका साइड में खुल रहा है ना, तो अच्छा है। हट जा, बैठ के देखने दे। दूसरा किधर है मैग्नेट? ये सही है ना, है ना? लेकिन ये नहीं बैठ रहा इधर मैग्नेट, इधर ये आ रहा है। वो दिखा, इसका क्या सीन है मैग्नेट का? ये बैठेगा ही नहीं, मैग्नेट नहीं है इसमें। इसका टैंक बैग से अच्छा ये टेल बैग। नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा वो। ये वेलक्रो खुलता है इसमें, लेकिन मैग्नेट नहीं है कहीं पे भी। पकड़। तो ये सही है मैग्ना पॉड, है ना? साइड से लुक कैसे आ रहा है आप देख लो। ये जो नेविगेटर है इसमें मैग्नेट नहीं है क्या? नहीं है ना, लेकिन तेरी गाड़ी पतरा किधर है? है ना, पतरा है, टंकी हो गया पतरा, डॉक्टर बतरा। ये साइज नेविगेटर से बड़ा है, ये ले लेता हूँ। इसमें और कोई है बड़ा छोटा? ये कौन सा है? वो तो एक्वा पाउच है, मतलब वेस्ट बैग। अच्छा ऐसा है, छोटा बना है उसका, वो राइनोस का सैडल का छोटा बना दिया लोग ने, ट्राई स्टैक का बराबर बोले। इसका मैं खाली ओपनिंग ओपनिंग सब दिखा दो, बता ऐसे अंधे में ले रहा हूँ। कल सुबह निकलना है इसलिए मैं जा रहा हूँ तड़ोबा टाइगर रिजर्व। ये अगर उसमें लगाना है तो
और इसे बड़ा करना रहेगा आपको तो नीचे से एक्सपेंडेबल करना है, एक्सपेंडेबल है और स्पेस मिलेगा तो पहले भी मैं बेटर है क्योंकि मैग्नेट भी है और इसमें क्या है कि ये एक्स्ट्रा बैग का दिया हुआ है लेकिन कुछ काम का नहीं। अरे इसको तो हैवेसैक की तरह भी नेविगेटर का ना मैं वो ले लूंगा टेल बैग, इसको तो बैकपैक की तरह भी यूज। हां इसको भी कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते क्या? इसे भी कर सकते ना। कहां दिया ये आपको? पूरा निकालना पड़ता है ये पूरा। अरे यही लफड़ा है सब खोलना। क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं, सब खोलना वापस लगाना। अच्छा अभी अगर मैंने इसको बैकपैक के लिए यूज किया तो ये इसका क्या होगा? इसमें क्या डाल सकते हैं? पूरा निकाल के दिखा दो ना, थोड़ा डेमो वेमो दिखा दो। देगा। मेरा अभी करंट बैग ये है, मेरे पास अभी ये है साइडल में। कैमरा चालू करना, अरे भाई डेमो का रिकॉर्डिंग करके चालू है। 5 स्टार रेटिंग डाल दे। खुद इनको रेटिंग का सॉलिड हुआ था। ये आप इसको खोल के ये आपका बाहर आ जाएगा और इसको आप इधर कैरी कर सकते हो अंदर और इसको डाल देना इसके अंदर। तो या चाहिए तो इसको मैग्नेट चिपका दो टैंक के ऊपर, लेकिन वो चोरी हो जाएगा। चोरी हो गया तो खत्म। इसको टैंक पे वो स्ट्रैप से भी लगा ही सकते हैं ना, जो स्ट्रैप अंदर दिया ना। अगर आपको मैग्नेट नहीं करना है तो आप स्ट्रैप करो, ठीक है। मैग्नेट करना तो मैग्नेट करो, अगर लैपटॉप लोगे तो आप इसको बैकपैक कर देना। हाँ लैपटॉप, लेकिन इतना छोटा नहीं है, बस 18 इंच का है। एक बात है, राइनॉक्स का प्रोडक्ट, मेरा राइनॉक्स पहले से बेटर है जी मेरे लिए भाई। इट्स अ वन टाइम परचेस, मस्त है। राइनॉक्स का टेंशन नहीं, अब सालों साल तेरे को टेंशन नहीं। मोबाइल माउंट है कुछ? मोबाइल माउंट है आप रखते हो एक्सेसरीज? मालूम है वो दे रहे हो, सब मालूम है कि मेरी दुकान में क्या है, आपकी दुकान में क्या है, कुछ भी। पहले भी मैं बोलो ना, मेहनत ही करवाना आई नो। ये भी अच्छा है लेकिन ये महिला हो जाएगा। इसमें नेवी ब्लू कलर है ना, देखा ना वो दिन पहन के मैंने। कितना हुआ? 3900। डन। क्या है इसका कुछ वारंटी गारंटी कुछ क्या है? 6 मंथ वारंटी है, वेलक्रो पे, जिप पर, स्लाइड पर। मोबाइल माउंट पड़ा है ना अपने इधर? अरे ये लोग बोलते हैं कि मिरर पे लगेगा नहीं, उसमें तो मेरा दिमाग हट गया यार, कब का लगा के निकल गया होता मैं मोबाइल माउंट। ये सिराज विराज क्या हुआ पता है क्या? मेरा जो नट है ना नट, उसमें जो मेरा कांच है ना, यहाँ से बराबर है और यहाँ से ऐसा है, तो वो बैठेगा नहीं ना क्योंकि यहाँ से ऐसा है, नट इधर है, समझे? अगर वो कट टू कट होता ना ऐसा, तो यहाँ पे तुम प्लेट बिठा के मोबाइल माउंट लगा सकते हो। तो क्या फिर खत्म? नहीं बैठेगा तो फिर क्या करूँ मैं? GPS कैसे निकालू, इतना लंबा जा रहा हूँ मैं। हाँ अभी जाके करो, जो भी है लगाना तो पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा हुआ तुमको मैंने फोन किया, पता है क्या कि इधर पूछो टैंक बैग मिल रहा है क्या, वरना माहिम जाना पड़ेगा राइनॉक्स में। फिर मैंने बोला छोड़ यार राउंड मार ही लेते बाजू में ही है। मैं फकीर आदमी हूं, ऊपर वाला बस चलो हो गया। दो कॉल किया, तू बाइक पे था, तू देख ले। हाँ शायद बाइक पे था। थर्ड कॉल तेरा बाइक इधर आया और मैं कॉल कर रहा था। सही है, चलो उधर जा रहा हूँ। आ रहा हूँ चलो, ठीक है चलो। थैंक यू सर। तो ये मैग्नेटा बैग लिया मैंने, अच्छी लग रही थी। ये लीजिए सर आपके लिए गिफ्ट हमारी तरफ से। तो मोबाइल माउंट है ना कहीं पे लग नहीं, यहाँ पे लग रहा है लेकिन वो इसको टकराता है, या फिर ऊपर लेता हूँ तो उसको छुप जाता है, खड़ा रखता हूँ तो इसको टकराता है, और ये जो आधा नीचे आधा ऊपर है उसकी वजह से मिरर पे मोबाइल माउंट लग नहीं रहा है। तो मैंने बोला कि छोड़ यार अभी टैंक बैग लिया, टैंक बैग में ही मोबाइल लगा देंगे और वैसे ही पूरा मैप वैप देखते जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि मैंने जो हेलमेट पहना है ना वो, अरे मेरा राइडिंग वाला हेलमेट है MT वाला, इसमें साला कोई भी GoPro का मैं माउंट लगाता हूँ, मतलब वो चिपकाने वाला, वेलक्रो वाला, कोई भी, तो मेरा कैमरा टेढ़ा ही बैठता है। पता नहीं मेरा हेलमेट ही टेढ़ा है या क्या है, क्या पता यार, हर बार इसमें एंगल टेढ़ा बैठता है। तो जो भी है, टैंक बैग तो हम लोग ने ले लिया, कम से कम वो तो काम आएगा राइड पे। बाकी जैकेट वैकेट मैंने देखा, अच्छा लगा मुझे। ग्लव्स भी मैंने देखा, मेरे ग्लव्स जो रेड वाले हैं वो थोड़े फटने आए, लेकिन यार अभी मेरा थोड़ा बजट नहीं है, घड़ी ने पूरा बजट हिला दिया। तो सोच रहा हूँ जब लद्दाख जाऊँगा ना तभी पूरा नया नया होके जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सीधा राइड पे।